गाइस, मैं हूं आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़े कम शब्दों में वर्ल्ड वॉर वन का कोर्स। वर्ल्ड वॉर वन का कोर्स था गाइस ये। हाँ गाइस, आप गलत नहीं देख रहे हैं कि ये बंदा जो था उनका नाम था क्या, गैब्रिलो प्रिंसेप, जिसने 19 साल की उम्र में, सिर्फ 19 साल की उम्र में, हाँ गाइस, इसने करवा दी वर्ल्ड वॉर वन। आप सोच रहे हो कि वर्ल्ड वॉर वन तो कुछ देशों के बीच में, इनफैक्ट कई देशों के बीच में लड़ाई थी, तो इस बंदे ने कैसे करा दी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने कैसे करवा दी वर्ल्ड वॉर वन। अब हुआ क्या कि बात होती है कि जो प्रिंसेप थे कहाँ के, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर में बता देता हूँ गाइज, ये जो यूरोप था इसके अंदर अपर साइड में ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर रूल करता था। वहाँ के प्रिंस थे कौन, आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, ठीक है, और उनकी वाइफ थी सोफिया। वहाँ से घूमने आते हैं कहाँ पे, ये यहाँ पे एक एम्पायर होता है यूगोस्लाविया का, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे घूमने आते हैं। ये सराजीवो नाम की एक कैपिटल होती है बोस्निया की, उसके अंदर ये घूमने आते हैं। अब ये चाहते हैं कि इस यूगोस्लाविया के जो अपर पार्ट है, ठीक है, उसको वहाँ से कुछ बोस्नियंस, यहाँ के जो लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ से ऑस्ट्रिया एम्पायर के अंदर से हटा लें और इसका यूगोस्लाविया एम्पायर नया क्रिएट कर दें। इसके लिए क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। किसको, ऑस्ट्रिया का जो प्रिंस यहाँ पे घूमने आता है, जिसका नाम क्या होता है, आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, और उनकी वाइफ होती है सोफिया, सोफी, सॉरी सोफी, उनकी वाइफ होती है सोफी। तो गाइज यहाँ पे जब ये घूमने आते हैं, इनको मार देते हैं शूट आउट करके। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक तस्वीर बना रखी है, ठीक है, इसकी मदद से यहाँ पे ये शूट गन से शूट आउट कर देते हैं इनको, और इसकी वजह से ये छिड़ जाती है क्या, वर्ल्ड वॉर वन। तो आपने देखा गाइज कि किस तरह से 19 साल की उम्र में सिर्फ कैसे एक बंदे ने वर्ल्ड वॉर वन जैसी पूरी की पूरी लड़ाई छेड़ दी। ठीक गाइज, थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त गुलशन कुमार यादव।